गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे, घर पर बैठे होंगे। तो बस न्यू डे न्यू ब्लॉग, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बजे, क्योंकि आज मैं लेट उठा ही बहुत लेट हूँ। तो उठा हूँ तो सोच रहा हूँ आज सैटरडे है तो सैटरडे को नहा लिया जाए। तो कपड़े ढूंढते हैं मेरे, कपड़ों में क्या पहनना है, पापा की कोई भी बड़ी सी पतली सी टी शर्ट वी शर्ट उठा लेते हैं एंड मेरा कोई भी एक अच्छा उठा लेते हैं। फाइंड देखते हैं अलमारी में मिलता है कि नहीं मिलता। अरे यार ये वाला ना, ये मैंने न्यू लोअर लिया था, ये देखो ये वाला, बट अभी तक पहना नहीं है, आज हम इसको पहनेंगे। अब पापा की कोई टी शर्ट ढूंढो पहले तो। अरे रहने दो यार, ये मेरी मिल गई, ये बहुत ज़्यादा मस्त है। ये मेरी है बट ये मैंने वह ये एक्सेल, पता नहीं डबल एक्सेल कौन सी है, याद नहीं मुझे। ये मैंने स्पेशल ली थी क्योंकि मुझे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते थे, ढीले ढीले, तो मैंने स्पेशल लेके आया था। आज हम पजामा, मतलब ये पजामा ये टी शर्ट अपनी ये पहनते हैं। तो आज ऐसे इसलिए हूँ क्योंकि सिर भी नहाना है, सिर वॉश करूँगा आज मैं एंड बदन भी धोऊंगा। पंजाबी में भी बोलते हैं अगर नहाने जाता है कोई तो, लाइक अगर सिर और ये दोनों नहाते हैं तो बोलते सिर पिंडे ना आऊंगा। तो मैं पंजाबी भी सिखाऊंगा बीच बीच में आपको सबको, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिर पिंडे ना आने, तो सिर पिंडे ना चला सिर, और शरीर को बोलते पिंडा पंजाबी में, तो सिर पिंडा ना चला मैं हूँ यहाँ पर। पापा क्या क्या लेके आए हो आप? मौसमी है। हाँ जी ओके। जो मेन चीज लेने गए थे चावल में डालने के लिए सोयाबीन, वो ही ली लेकर आए, बाकी सब चीजें ले गए आगे। मतलब क्या बोलने पापा आपको, बुलक्कड़ बुलक्कड़। टॉपिक था कि सोयाबीन लेने गए थे जो इम्पोर्टेंट थी चावल में डालने के लिए दोपहर के खाने के लिए, वही नहीं ले गए, बाकी सब चीजें ले आए, मजा आ गया। अभी मेरी बहन नहा रही है, अभी मैं नहाने जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा नहाते नहाते, फिर बाहर आऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। तब तक एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए मैंने एक चीज नहीं खाई, आई थिंक लास्ट ही पड़ा है आंवला मेरा। तो ये लास्ट आंवला है जो आज खा रहा हूं। अंदर काँप जा, अंदरूनी चीजें काँप जाती है सारी जो इसका खाता हुआ है, इतना कोड़ा है ये। पहले 1 सेकंड तक बहुत कोड़ा लगता है, बहुत, उसके बाद तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या सूखी सी चीज खा रहे हैं, फ्रूट ही खा रहे हैं। पॉइंट एक टाइम से याद नहीं ना रहता, ठीक है। तो अभी खाने दोपहर का खाना है जिसमें अपना प्याज वाला रायता है, चावल है वड़ी वाले जिसमें वड़ी डाल रखी है, अमृतसरी वड़ी, अमृतसर बोलने में मजा नहीं आता, पंजाबी में अमृतसरी अच्छा है, अमृतसरी वड़ी विद मॉडर्न मॉम मम्मी ने टॉप जीन पहनी हुई है विद गुस्से वाली सिस्टर एंड विद चिल पॉप। बट किस तरीके किस एंगल लो चिल है तुम्हारा? कंपेयर टू मम्मी ही इज वेरी चिल। नहीं यार ये तो ओ ने वॉम है कंपेयर टू मम्मी माय फादर इज वेरी चिल। देख लो पापा, कुड़ी तारीफ कर रही है क्योंकि कुड़ी ने आज बिंगो मिल लिया वा जो पापा लेके आए इसी बारो तो पापा बाहर से जब बिंगो बाहर से पापा बिंगो लेके आए इसलिए तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो इसको कोई शौक नहीं है तारीफ करने का। मैं भी इससे नहा कर आया हूँ, अभी टॉवल बांधा और हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लंच कर रहे हैं। अमृतसर की वड़ी, अमृतसर के पापड़ बहुत टेस्टी होते हैं, और ये हमारे वड़ी वाले चावल। कितने टाइम बाद खाते हैं? बस ऑर्डर बना गए। बड़ी वाले चावल आए थे हमने बहुत टाइम बाद के बाद खाए हैं,
क्योंकि मुझे वड़ी इतनी पसंद नहीं है, थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता मुझे वड़ी का, बट आज बहुत टेस्टी लग रही है वड़ी की सच्ची। क्योंकि टाइम बाद खाधी ना, कोई रोज रोज खाओ कोई चीज अच्छी लगती, भावे चिकन हो, मटन हो, कुछ भी हो। ये हमने डेढ़ दो तीन महीने बाद बनाए, इतने टाइम बाद ढाई तीन महीने बाद बनाए, इन्हें इतने टेस्टी लग रहे हैं ये बड़ी वाले चावल, और मजा आ रहा है। आज कुछ और आज कुछ आज मैंने कुछ स्पेशल भी देखा कि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, वो थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि वो खीरा रखता हूँ और वो क्या कहते हैं मुल्तानी मिट्टी का लगाता हूँ ना, तो दाने भी कम हो रहे हैं। सही है यार, सही है, बट आँख अभी भी लाल है, ये वाली आँख लाल है ना मम्मा, आँख अले भी लाल है ये वाली। बंदा बंदा मारना थे दस। तो भाई शाम का समय हो गया है, बाल मेरे सूख गए हैं, तो एक काम करते हैं कि अपने पापा से सिर चसवाते हैं, मीन सिर की मालिश करवाते हैं, तेल लगवाते हैं। पापा सिर की मालिश कर दो, तेल ला दो। मेरे पापा ने चमकी बड़ी मस्त करते हैं, यार कूलर बंद करके एकदम इंज लगता जो गर्मी जी लगन लग गई है, मैंने पखा लाई ठंडा ठंडा लगन दिया ना गर्मी लगन लग। पापा की चंपी के बाद हम वापस हो जाएंगे, क्यों मजा आएगा ना फिर सोंदा, रिलैक्स फील होगा, रिलैक्स। चली तेरे वाल नहीं सी ना होंदे जद तू छोटा जांदा सी, तेरे सिर च तेल लाईदा सी, तेरे कन्न विच तेल पाईदा सी, तू नाल ही सो जांदा सी। तेरे कान च तेल पा गए, बस उंगली पा गई, ऐ चाह 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 चाह, थोड़ी देर बाद निकलना थैली च सो ही जाना। मैं क्या लै थैली ने ते नींद ही बड़ी छेती आंदी सी, है थैली पूरे वाला ते लंबिया ते भी तेल ला रही, पहले चपड़ी च ना लाना थी। चली कुछ बोल मम्मा, जो मैं चंपी कराना हुना ना उदो मैं चंपी फील करदा हुना। अच्छा मैंने फील कर लैन दो। अच्छा जो मजा आ रहा है वो मजा ले लैन दो। अच्छा ठीक है, और कुछ ताई ने कह रहे हैं सामने वहाओ, सामने तेरे मकी मुंह दे अगे ते वैसे ही वाल आए हुए ने, वैसे ही तो नजर नहीं आन दिया। तो सामने आ गए तू जरा नजर आना वा। सही है ना, ले चमटी हो गई तेरी, अज वाल बड़े हल्के लग जाते तेरे। दाढ़ी ते भी मालिश करा ला। चली तो अपने पापा की फोटो वेखी है, है जो तेरी उम्र दे सी किन्नी किन्नी दाढ़ी सी, किथे सी है सी। मैं कह जदो इन्नी सी जिन्नी तेरी, एवे इन्नी सी पते है ही नहीं थी। तो ये देखो मेरे पापा की शादी की पिक, जब उनकी शादी हुई थी, ये देखो तब उनकी दाढ़ी भी नहीं थी इतनी। ये मेरे पापा की पिक है पुरानी वाली, ये मेरी नया फेस आईज वगैरह सब कुछ थोड़ी थोड़ी मिलती है, बहुत ज़्यादा ही एक हिसाब से। तो आईज लाल ज़्यादा हो गई है, तो आंखों में डालने के लिए दवाई लेकर आया हूँ एक कभी भी, तो एक आईज में दो बूंद डलेगी, तो दोनों आंखों में डालनी है अब, तो मम्मी रिकॉर्ड करेगी। वेख लिया मैं, एक मिनट ही आ रहे जबरदस्ती पा रहे हो। यार मैं काम करना है। हाँ ठीक है, मैं भी अखा च पानी, पता नहीं ना कड़ी भी है कि नहीं गी, कोड़ी होएगी फिर। अखा च कोड़ी तो हद है, ये आंखों से टेस्ट करता है कोई भी चीज भी कड़ी भी है या मीठी है।
बस दो दो हो गया ना मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि चलने वाली मेडिसिन है लग तो नहीं रही ना ओ जिस हिसाब से मेरा पोज लगता है कि मुझे लग नहीं रही आपको नहीं लगी होगी तो ये है रात का खाना और ये है पंजाबी में बोलते इसको माँ की दाल ये अपनी माँ की दाल साथ में रोटी ये दाल कई बार मेरे से चिकन को अवॉइड करा चुकी है मैं एक जगह पर था हर दिन नया नया मैं चिकन की वैरायटी आती थी खाता था बट जिस दिन ये दाल आई चिकन अवॉइड कर दिया मैंने तो ये दाल चिकन को सच में अवॉइड कर सकती है अगर आपको ये पसंद है तो आप चिकन कभी ना कभी पानी आ रहा है मुँह में दाल देखकर तो कभी ना कभी आप चिकन के सामने इस दाल को ऊपर रख के जाओगे तो देसी घी आई थिंक डाला है प्याज व्याज देखो तड़का लगा रखा है मस्त वाला पापा खा के बताओ कैसी है गरम है यार मैं तो नहीं खाऊंगा अभी खा के बताओ पापा कैसी है यस गरम है तही दे क्या खा के दिखाओ तानू पापा देख रहे ने लून लेट्स सी मेरे पापा क्या कहते हैं मजेदार मम्मा मजेदार ना भाई तड़का आंदे दाल में तो खाना खाते हैं उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि रात ज्यादा हो जाती है जब मैं एडिट करता हूँ तो रात ज्यादा नहीं करेंगे 12:30 एक बजे तक सो जाएंगे आज हम मैं वीडियो एंड ना करा काम ना करा मैं अपना चिक्की मारी जानी है तू स्टार्ट किया मैं नहीं स्टार्ट किया इस बारी ओके बहुत तो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा हो अच्छा लगे हो तो लाइक करना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग टिल एंड बाय बाय